आज के इस वीडियो का आगाज मैं वॉशिंग मशीन और आयरन स्टैंड की एक दास्तान हयात से करती हूँ। इनिशियली होता यह है कि वॉशिंग मशीन की हमारे घर में बिल्कुल जगह नहीं होती, तो उसका बसेरा या तो हमारे घर के बैक साइड वाले एरिया पे हो जाता है, या हम कपड़े धोते हैं अपनी छत या टेरेस के ऊपर और वहीं उन्हें लगा देते हैं सूखने के लिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम वॉशिंग मशीन हमारी घर की एक महंगी और करामत चीज़ तो बन गई है, क्योंकि अब ऑटोमेटिक मशीन्स आती हैं, इसलिए इसे थोड़ी इज्जत मिलना शुरू हो गई है। लेकिन इतनी इज्जत भी कहाँ, अब इसे घर में जगह तो मिल गई है लेकिन सिर्फ बाथरूम में। जहाँ तक कपड़े प्रेस होने की बात है, तो घर में किसी भी कमरे में आप चादर भिजा कर प्रेस कर लिया करते थे। अब क्योंकि आयरन स्टैंड आ गया है, लेकिन आयरन स्टैंड हमारे घर के किसी भी कोने में डंप कर दिया जाता है और ज़रूरत आने पे हम उसे निकालते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट जगह पे रख देते हैं। हर 2-3 दिन बाद इसकी घर में जगह चेंज हो रही होती है। कभी ये बेडरूम में जा रहा होता है, कभी ड्राइंग रूम में जा रहा होता है, तो कभी लाउंज में जा रहा होता है। ये है हमारे पाकिस्तानी घरों की असल कहानी। अब वाकई टाइम इज़ चेंजिंग और लोगों में काफ़ी शऊर पैदा हो रहा है। मैंने देखा है कि अब मोस्टली हमारे क्लाइंट्स की ये डिमांड होती है कि उन्हें प्रॉपर यूटिलिटी रूम डिज़ाइन करके दिया जाए, जहां वो अपने सारे काम आसानी से एक जगह पर कर सकें। यहां पर सिर्फ वॉशिंग और आयरन नहीं किया जाता, बल्कि ये और भी बहुत से पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है, इसलिए आपके पास एक बहुत ही अच्छी फंक्शनल स्पेस आ जाती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से अपने यूटिलिटी रूम को डिज़ाइन कर सकते हैं, कौन सी वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उसके अंदर आपके पास लाजमी होनी चाहिए, एंड उसके अलावा आप उन चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेस के ऊपर। स्पेस आपको किस तरह से यूटिलाइज करनी चाहिए, कोशिश करें कि आप इसको किचन के साथ बनाएं, और अगर मुमकिन हो सके तो इसे किचन के साथ कनेक्ट कर लें। बहुत ज़्यादा स्पेस अपने यूटिलिटी रूम में ना दें और बहुत ज़्यादा बड़ा भी मत बनाएं, क्योंकि उसके लिए आपको बाकी रूम्स की स्पेस को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसके बाद बात आ जाती है वॉशिंग मशीन और आयरन स्टैंड की। आप इस्त्री के लिए एक अच्छा सा आयरन स्टैंड भी बना सकते हैं, जहाँ सारे आराम से इस्त्री कर सकें। वॉशिंग मशीन की जहाँ तक बात है, तो वो वाली वॉशिंग मशीन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि लें, जिसमें दोनों ड्राइंग और स्पिनिंग के फीचर्स हों। अब बात करते हैं टॉल कैबिनेट्स और क्लोजेट्स की। आजकल जो यूटिलिटी रूम डिज़ाइन किए जा रहे हैं, उनको सिर्फ एक पर्पस के लिए नहीं, बल्कि मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इधर सिर्फ वॉशिंग और ड्राइंग नहीं की जाती, बल्कि आप अपने क्लीनिंग प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, अगर आप टॉल कैबिनेट्स और क्लोजेट्स बनाएंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी चीज़ें जो है वो आराम से स्टोर हो जाती हैं, क्योंकि कि अगर खुली हुई सामने पड़ी हों तो वो बहुत बुरी लगती हैं। अब बात करते हैं ओपन और क्लोज स्टोरेज के ऊपर। आई नो कि बहुत से लोगों का ये ख्याल होता है कि क्लोज स्टोरेज बनानी चाहिए, एंड दैट इज़ ट्रू, बिकॉज इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगती हैं और क्लटर फ्री लगती हैं। लेकिन अगर आप क्लोज स्टोरेज के साथ थोड़ी सी ओपन स्टोरेज एरिया बना लें, तो वो एक काफ़ी अच्छा आइडिया है और उससे स्टाइलिंग ऐड होगी। लेकिन क्लोज स्टोरेज के साथ साथ कुछ ओपन स्टोरेज एरिया बनाना भी एक बहुत अच्छा आइडिया है, बिकॉज हमें पता है कि किसी भी रूम में स्टाइलिंग ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप ओपन स्टोरेज बनाएंगे, वहाँ पर आप डेकोरेशन पीसेस रख के अपने यूटिलिटी रूम को डेकोरेट भी कर सकते हैं। मुझे ये आइडिया बहुत पसंद है कि वहाँ छोटे छोटे प्लांट्स रख लिए जाएँ। उसके अलावा डिटर्जेंट या फैब्रिक सॉफ्टनर वगैरह को एज इट इज़ ना रखें, बल्कि उससे बेहतर है कि आप उसे किसी प्यारे से कंटेनर या जार में रख लें। अब बात करते हैं लॉन्ड्री बास्केट्स की। लॉन्ड्री बास्केट, जिसे हम लॉन्ड्री हैम्पर भी कहते हैं, वो यूटिलिटी रूम में होना बहुत ज़रूरी है। बल्कि सिर्फ यूटिलिटी रूम में ही नहीं, आप उसे अपने बेडरूम्स में भी रख सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्लैट सर्फेस के ऊपर। अगर आपकी लोअर कैबिनेट्स है, तो उसकी अपर टॉप सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। उसको आप डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अगर आपने कोई आइटम्स रखने हैं वहाँ पे, आप वो भी रख सकते हैं। और इसके अलावा आप जब कपड़े धोकर इस्त्री करते हैं, तो आप वहाँ पर आराम से तय भी कर सकते हैं। अपने यूटिलिटी रूम में हैंगिंग स्पेस ज़रूर बनवाएं, चाहे आपने कपड़े धो कर डाल लें या कपड़े आपने आयरन करके डाल लें। कपड़े प्रेस करके हैंग करने के लिए आप क्लोजेट्स के साथ कुछ ऐसे रॉड्स लगवा सकते हैं, एंड फॉर ड्राइंग आप कुछ इस तरह के कस्टमाइज्ड ड्राइंग रैक ले सकते हैं। ये स्पेस भी सेव करते हैं, जबकि यूज़ में ना हो तो ये ऊपर की तरफ फोल्ड भी हो जाते हैं।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लॉन्ड्री रूम में एक सिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ मनी बिकॉज सिंक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं. जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि लॉन्ड्री रूम हम सिर्फ एक पर्पज़ के लिए नहीं बल्कि मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. इसलिए मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि एक बड़ा स्टेनलेस स्टील सिंक ज़रूर लगवाएं, क्योंकि उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं. एक तो ये कि अगर आपने बकेट फिल करनी है उसके लिए आपको काफ़ी आसानी हो जाती है. सेकेंडली, अगर आपने फ्लोर को मॉप करना है या फ्लोर धोना है तो उसके लिए भी आपको पानी की ज़रूरत होती है. एंड लास्टली, अगर आपके कोई जूते बहुत गंदे हैं या उनके ऊपर बहुत मिट्टी लगी हुई है तो डीप सिंक का फ़ायदा ये होगा कि आप वो भी वहाँ पर धो सकते हैं. लास्टली बात कर लेते हैं जी ऑर्गेनाइजिंग की. वैसे तो मैं साथ साथ आपको टिप्स देती रही हूँ ऑर्गेनाइजिंग की, लेकिन अब कुछ और टिप्स आपको बता देती हूँ. जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप डिटर्जेंट वगैरह को किसी प्यारे से जार्स में रख सकते हैं, उससे अच्छी डेकोरेशन भी हो जाएगी. एक तो ये हो गया. सेकेंडली, आप ये कर सकते हैं कि कुछ इस तरह की बास्केट्स ले सकते हैं और उसमें आप अपनी वॉशिंग एसेंशियल्स डाल सकते हैं. टॉयलेट रोल्स को खोल कर सेट कर दें इस तरह से. उसके अलावा कुछ डेकोरेटिव हुक्स लगा सकते हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल होंगे. अपनी वीडियो को एंड करूँगी एक बोनस टिप के साथ. याद रखें कि अपने यूटिलिटी रूम में थोड़ी सी डिज़ाइनिंग ज़रूर करें, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारा टाइम खवातीन का इसी रूम में गुजरता है. तो आप कर ही सकते हैं कि कैबिनेट्स आप कलर्ड करवा लें इंस्टेड ऑफ वाइट. उसके अलावा आप LCD वगैरह लगवा सकते हैं ताकि आप साथ साथ ड्रामे भी देख सकें, या अगर आपको म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप छोटे छोटे स्पीकर्स भी रख सकते हैं. उसके अलावा एक आइडिया ये है कि आप अपनी फ्लोरिंग को थोड़े से पैटर्न्स वाला करवा लें. और एक चीज़ ये हो सकती है कि आप इस तरह के वॉलपेपर भी लगवा सकते हैं. दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको इस वीडियो से नए आइडियाज़ मिले हैं तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.